20-80% इस पे डिपेंड करती है कि हम खाते क्या हैं। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको अपने डाइट पे भी ध्यान रखना है। अगर आप वेट लॉस का कोई शॉर्टकट सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए 15 टॉप वेट लॉस सुपर फूड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। चिली या मिर्च में कैप्सिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो भूख को कम करता है एंड मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है, जो कि फैट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च में पाया गया है कि ड्राइड चिलीज अगर मील्स में स्प्रिंकल करके खाई जाए तो वेट लॉस 10 टाइम्स जल्दी किया जा सकता है। टमाटोज या टमाटर विटामिन ए, के एंड सी से पैक्ड होता है। टमाटो में 90% वाटर कंटेंट होने की वजह से इसे किसी भी मील के साथ खाने से पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होता है। इसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं एंड ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। कैबेज या बंद गोभी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स होते हैं। कैबेज फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसके अलावा कैबेज बॉडी में शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स की फैट कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करने में भी हेल्प करता है। होल ग्रेन्स या साबुत अनाज से बनी चीजों को बॉडी डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करते टाइम किसी भी ओवर प्रोसेस्ड फूड से डबल कैलोरीज बर्न करती है। इसके अलावा होल ग्रेन्स फाइबर रिच होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओट मिल्स में बीटा ग्लूकोन्स एंड सोल्युबल फाइबर्स होते हैं जो मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करके वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी बूस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करते हैं, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करते हैं, फैट बर्न करने एंड डाइजेशन सिस्टम को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। नट्स में एसेंशियल फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, पोटासियम एंड फाइबर्स होते हैं। ये एपेटाइट या भूख को कम करके फैट लॉस में हेल्प करते हैं। लेंटिल्स एंड किडनी बीन्स प्रोटीन एंड फाइबर्स के ग्रेट सोर्सेज हैं। इसके अलावा इनमें रेजिस्टेंस स्टार्च भी होता है। इनकी हाफ कप सर्विंग में हेल्दी कार्ब्स की हाई डोसेज मिलती है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है एंड फैट को बर्न करता है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम के मेन सोर्सेज होते हैं। कैल्शियम ना सिर्फ फैट को ब्रेक डाउन करता है बल्कि उसे दोबारा फॉर्म होने से भी रोकता है। हमारी बॉडी में फैट मेटाबोलाइज करने के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है जो एग्स में प्लेंटी में होता है। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप डेली एग व्हाइट्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाएं। इसके अलावा एग्स प्रोटीन का भी एक्सीलेंट सोर्स है जो आपको पूरे दिन एनर्जाइज्ड रखेगा। ग्रीन टी में ECGC नाम का स्पेशल कंपाउंड होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दिन में 2-3 बार ग्रीन टी पीने से डेफिनेटली कैलोरी बर्न करने और फैट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। सिनेमन या दालचीनी फैट बर्न करने और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। सिनेमन को योगर्ट, टी या कॉफी में कैलोरी फ्री स्वीटनेस के लिए डाल सकते हैं। एप्पल्स में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड एप्पल आयरन एंड विटामिन सी का ग्रेट सोर्स है। इसके अलावा एप्पल में ढेर सारे फाइबर्स होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम एंड फैट रिडक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल लाइक ऑरेंजेस, मौसमी, ग्रेपफ्रूट या चकोतरा वगैरह विटामिन सी के ग्रेट सोर्सेज हैं। सिट्रस फ्रूट्स फैट लॉस करने में 30% ज्यादा हेल्प करते हैं। इन्हें दिन में किसी भी टाइम खा सकता है बट इनका जूस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पीना एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है। बनाना या केले में पोटासियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि एंटी सोडियम है। जिनकी स्किन में ब्लोटिंग या पफिनेस हो उनके लिए बनाना बहुत फायदेमंद है। दिन में आधा बनाना खाना फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, बट ध्यान रहे कि बनाना पूरा पका हुआ ना हो, फ्रेश हो एंड थोड़ा ग्रीनिश हो जैसा वीडियो में दिखाया गया है। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज एक्सेट्रा आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये ब्लड शुगर लेवल को नाइस एंड स्टेडी रख के फैट लॉस में हेल्प कर